वीडियो में हम G72 साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारे पास ओडी वाला कोई भी टूल है, सीएनएमजी है, टीएनएमजी है, उसकी मदद से हमें जो फेस में आगे का जो स्टॉक है उसे रिमूव करना है, तो वो रिमूव करने के लिए हम G72 साइकिल का कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये टोटल चार पोजिशन अवेलेबल है, जैसे कि जो फेसिंग स्ट्रेटेजी की मदद से हम ओडी वाले टूल से भी फेसिंग कर सकते हैं, अगर आईडी वाला टूल है, बोरिंग बार है, तो उसकी मदद से भी हम अगर फेसिंग करना चाहते हैं, फेसिंग स्ट्रेटेजी में मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर बैक साइड आईडी टर्निंग का टूल है, उसकी मदद से अगर बैक साइड बोरिंग करना है तो भी हम कर सकते हैं, और बैक साइड ओडी टर्निंग का टूल की मदद से भी अगर हम फेसिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हर एक पोजिशन के लिए ही G72 साइकिल का ही हमें यूज करना पड़ता है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम या कह सकते हैं कि ये जो फेसिंग स्ट्रेटेजी फॉर ओडी टर्निंग, ओडी वाला टूल है, उसकी मदद से फेसिंग का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं और कैसे रन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप आईडी टर्निंग, बैक साइड आईडी टर्निंग और बैक साइड ओडी टर्निंग का भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम ये प्रोसीजर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई हमारा कंपोनेंट है 100 mm डायमीटर का, उसके आगे 5 mm का स्टॉक है, 5 mm का मटेरियल पड़ा हुआ है जिसे हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कैसे प्रोग्राम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि होम पोजिशन कर दी G20U0W0, टूल कॉल कर दिया, कूलेंट ऑन कर दिया, G50 है स्पिंडल लिमिट के लिए दिया है। अगर आपके पास जो मशीन है उसमें फानुक में ए टाइप की सिस्टम फॉलो कर रही है तो G50 आएगा, अगर बी टाइप की सिस्टम फॉलो हो रही है तो G92 आएगा। और हमने कहा है कि 2000 RPM से ज्यादा स्पिंडल घूमना नहीं चाहिए। फिर दे दिया G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड प्रोवाइड कर दी, S240, M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन और कुछ फीड रेट दे दी। नाउ यहां पर हमने टूल का पार्किंग कराया G0X102.0 एंड Z5.0। तो जब भी हम G72 साइकिल के ऊपर जो भी एक्स और जेड में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वहां से ही हमारी G72 साइकिल कटिंग करना स्टार्ट कर देती है। ये एक्स के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ये जेड के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक डिफाइन हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक में कर सकते हैं जो G72 के ऊपर डिफाइन करेंगे। नाउ G72 साइकिल के बाद जो W1.0 हमने प्रोवाइड किया है वो जेड एक्सिस में डेप्थ ऑफ कट के लिए, क्योंकि 5 mm का स्टॉक है तो वो रिमूव करने के लिए डेप्थ ऑफ कट कितनी अमाउंट की हमें प्रोवाइड करें तो वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। R1.0 जो कि रिट्रैक्शन के लिए है। नाउ G72 साइकिल जो सेकंड लाइन है वहां पर एक वैल्यू आती है P के फॉर्म में और Q के फॉर्म में, तो जो भी हम कहाँ से कहाँ तक हमें कटिंग करना है वो एक G72 के साइकिल के नीचे हम मेंशन करेंगे, राइट। तो वो समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ ब्लॉक नंबर डिफाइन करेंगे, तो एक रहेगा हमारा स्टार्ट ब्लॉक नंबर, एक रहेगा हमारा एंड ब्लॉक नंबर। तो वो इस साइकिल को समझाने के लिए हम यहाँ पी के फॉर्म में और क्यू के फॉर्म में, ये पी के साथ जो लिखेंगे वो स्टार्ट ब्लॉक नंबर हो जाएगा और क्यू के साथ में जो लिखेंगे वो एंड ब्लॉक नंबर हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा एंड ब्लॉक नंबर हो गया, यू हो जाएगा फिनिशिंग अलाउंस इन डायमीटर एक्स में, और W0.2 हो जाएगा फिनिशिंग अलाउंस इन जेड, यानी कि फेस में कितना अमाउंट का स्टॉक छोड़ना है, और ये हो गई हमारी फीड रेट। नाउ अभी हमने हमारा यहाँ पर टास्क क्या है कि हमें एक 100 mm का डायमीटर है उसमें आगे 5 mm का स्टॉक है उसे रिमूव करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या मेंशन करेंगे कि N101, क्योंकि हमने यहाँ P के बाद में 101 लिखा था, तो हमारा ये N के साथ जो ब्लॉक नंबर जनरेट होगा वो 101 मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पर हम 11 मेंशन करेंगे तो यहाँ पर भी सिंपली 11 कर देंगे क्योंकि ये हमारा स्टार्ट ब्लॉक नंबर हो गया। फिर हम मेंशन करेंगे G0 Z0.0, क्योंकि हमें जो फेस करना है वो Z0 तक करना है, राइट। तो हमने सिंपली G0 Z0 मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने लिखा है N102, क्योंकि हमने एंड ब्लॉक नंबर Q के साथ मेंशन किया था 102, तो यहां पर एंड ब्लॉक नंबर हम मेंशन कर देंगे N के साथ 102।
जो मशीन समझ जाएगी कि हमें यहाँ तक का जो पूरा कंटूर है उसे रीड करना है, और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया G1 या फिर G01 और X-2.0, क्योंकि X में -2.0 तक फेसिंग करते करते हमें पूरा मशीनिंग कंप्लीट करना है। तो ये पूरा जो इतना जो पूरी लाइन से जो ब्लॉक मेंशन हमने किए हैं वो G72 साइकिल के लिए। फिर ये हो जाएगा G0X102.0 रिट्रैक्शन के लिए, ये होम पोजीशन हो जाएगा, ये कटिंग स्पीड है उसे कैंसिलेशन करने के लिए, और ये हमारा M30। नाउ हम इसका सिमुलेशन देखते हैं कि ये कैसे एक्चुअल में वर्क करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मटेरियल ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये जेड में दे देते हैं 5 mm, और इसका सिमुलेशन देखते हैं। तो ये उसने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया सिंपली। राइट, तो ये हमारा फेस कंप्लीट हो गया। नाउ वन स्टेप अहेड हम जाते हैं कि हो सकता है कि यहां पर दो स्टेप हमें जनरेट करना है आगे, एक 50। जैसे कि हम यहाँ पर ये जो फिगर दिखाई थी तो इसका एक पर्पज है, यहाँ पर जो ये हम फेसिंग करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर Z0 आ रहा है, आगे जो 5 mm का स्ट्रोक था वो हमने निकाल दिया। राइट, हो सकता है कि दूसरा एक स्टेप है 20 mm की डेप्थ में 50 mm का डायमीटर। अगर ये दोनों स्टेप हमें फेसिंग स्ट्रेटेजी की मदद से ही करना है, यानी कि ये जो हम कहते हैं कि ये वर्टिकल कट की मदद से ही करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हर एक जो कंटूर डिफाइन करते हैं उसकी एक प्रोसीजर है कैसे किया जा सकता है। तो यही बात समझाने के लिए ये पूरा जो एक डायग्राम है वो तैयार किया है, एक बनाया हुआ। तो सबसे पहली चीज है कि हमें जो उसका कंटूर डेफिनेशन का स्टार्ट पॉइंट होगा वो लेफ्ट डिरेक्शन में, जो जेड का फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा। जैसे कि ये जो 50 mm का डायमीटर है वो 20 mm की डेप्थ में, तो ये जेड का पॉइंट हो जाएगा Z-20.0। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा X50.0। फिर थर्ड पॉइंट आ जाएगा जेड का इज Z0.0, और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा X-2.0। यानी कि अगर आपको मल्टी स्टेप्स ये G71 की सॉरी G72 साइकिल की मदद से ही जनरेट करना है, फेसिंग स्ट्रेटेजी की मदद से करना है, तो वो हम कुछ इस पर्टिकुलर जो ये हमने स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट का डिस्क्रिप्शन जो डिफाइन किया है, उस तरह से आपको सिर्फ ये जो कंटूर आपने N101 और N102 के बीच में डिफाइन कर देना है। तो कैसे? सबसे पहले हमने जैसे बात की कि G0Z-20.0, क्योंकि जो 50 mm का जो डायमीटर है वो 20 mm की लेंथ में है। राइट, नेक्स्ट ब्लॉक आ जाएगा G01 X50.0, फिर आ जाएगा G01 Z0.0। तो ये जो जो जनरली हम फिनिश का जो प्रोग्राम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये 50 mm का डायमीटर Z-20 तक और X 100 mm तक। बस G72 साइकिल में वो हमें रिवर्स प्रोसीजर में डिफाइन करना है। राइट, उसी तरह से अगर आईडी के लिए देखेंगे तो उसके लिए अलग प्रोसीजर हो जाएगी, बैक साइड आईडी के लिए अलग हो जाएगी और बैक साइड ओडी के लिए अलग हो जाएगी। तो वो सारी प्रोसीजर हम वन बाय वन वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझना कैसा है ये पर्टिकुलर जो हमने चार्ट तैयार किया है ये एक पर्टिकुलर एक स्लाइड में ही है, तो आप इजीली इसे याद भी रख सकते हो। नाउ इसका सिमुलेशन हम देखते हैं फिर से एक बार कि हमने अभी ये जो डिस्कशन किया था वो किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो G72 W1.0 1 mm की डेप्थ ऑफ कट है, 1 mm का रिट्रेक्शन है, और ये पर्टिकुलर 101 से 102 के बीच में जो भी हमने ब्लॉक लिखे हो गए वो सारे ब्लॉक को फॉलो करके उसका रफिंग वाला प्रोग्राम मशीन अपने आप जनरेट कर देगा। तो ये G72 साइकिल का पर्पज है और ये चीज को हमें समझना है। तो ये
पूरा G72 साइकिल का माचड़ा, राइट? एंड ऑल द बेस्ट गाइस।